अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइफ विद शोना फैमिली चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चीटोस चीज़ बॉल्स। व्यूअर्स, चीटोस चीज़ बॉल्स बनाने के लिए मैंने आलू मैश कर लिए हैं, बॉईल कर लिए हैं। इनको मैं मैश करूँगी और इसमें मैं डालूँगी ओरिगानो और काली मिर्च और नमक और मैदा। ये मैदा यहाँ पे वो वाला नहीं मिलता, ये पैकेट वाला मिलता है, तो ये पैकेट वाला हम ले आए थे। और इसको मैं इसमें डाल के इसको मैश करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। 2 अंडे ले लिए हैं मैंने, चैडर चीज़, मेरे पास मोज़रेला नहीं थी, चैडर थी, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। और आपके पास मोज़रेला हो तो वो तो बेस्ट है, मोज़रेला आप ग्रेट करके रख लें या स्लाइस ले लें, या जो आपको इजी लगे वो ले लीजिएगा। ठीक है, ये आलू को मैं मैश करके आपको दिखाती हूँ। चलें, अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून, हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और तकरीबन 1/2 टीस्पून, और इसमें मैं डालूंगी ओरिगानो पाउडर जो होता है, ओरिगानो पाउडर मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1/2 टीस्पून वो भी डालूंगी। ये बस फ्लेवर के लिए डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना है हमने, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है, और इसको फ्लेवर देना था बस इसलिए। और मैदा डालूंगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा डाल दिया। अब इसको सबको मैं मैश करूंगी। ये मैंने चीटोस फ्लेमिंग हॉट नाम के जो पेपर होते हैं ये मैंने ले लिए हैं चीटोस, और ये हमें ये 20 रुपीज़ वाले मिले थे तो हमने ये 2 ले लिए कि हमने एक्सपेरिमेंट करना था कि ये चीटोस चीज़ हम कर लेंगे बिल्कुल क्रश। मैं हमने मिक्सर में डाल दिया। ये सारे चीटोज़ मैंने क्रश कर लिए। तो अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं अंडे का अलग बैटर बना रही हूँ। ओह शिट, ये मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई, अब टॉर्च नहीं जल सकती। ये मैं 2 अंडे ले रही हूँ कोटिंग के लिए, इसका कोटिंग का बैटर बनाना है हमने, इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। उसमें मैंने डालूँगी, स्टॉप कर, नहीं ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून नमक, ये थोड़ी सी बिल्कुल मैंने काली मिर्च ले ली है, बिल्कुल पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, और नज़र कहाँ आ रहा है कुछ ये इसमें भी हम 2 टीस्पून हम इसमें भी मैदा डालेंगे क्योंकि इसका थोड़ा सा बैटर हमने हार्ड करना है, लिक्विड ना हो ज़्यादा, थोड़ा सा गाढ़ा हो। ये मैंने डाल दिया है और मुझे लग रहा है ये छोटी है प्लेट। अच्छा, ये प्लेट मुझे थोड़ी सी वाली छोटी लग रही थी तो मैंने इसमें कर लिया ताकि आराम से कोटिंग हो सके। अब इसको मैं सही से मिक्स कर रही हूँ। गाइज, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा दूध, और अब इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। ये मैंने अंडे का बैटर रेडी कर लिया है जिसमें मैंने मैदा, ओरिगानो, नमक और जो है काली मिर्च पीसी भी डाली है, इसका मैंने बैटर बना लिया है। इसको चीटोस को मैंने क्रश करके इनको रख लिया है। ये चीज़ है मेरे पास, चीज़, चेडर चीज़,
इसको मैंने ग्रेट करके रख लिया। आपके पास मोज़रेला हो तो मोज़रेला भी डाल सकते हैं। और ये है आलू जिनको मैंने मैश कर लिया है। इसमें मैंने काली मिर्च, ओरिगानो, नमक और चिली फ्लेक्स नहीं डाले क्योंकि अब बच्चे हैं छोटे हैं मेरे घर में तो वो नहीं खाते हैं इतनी ज़्यादा मिर्ची, तो मैंने मिर्ची सिर्फ काली मिर्च थोड़ी सी डाली है ताकि मिर्ची ज़्यादा ना हो। और हम अपने हाथों को किसी तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि आलू चिपके ना। और फिर हमने इसके बनाने हैं जैसे हम कबाब बनाते हैं इस टाइप के, हमने बॉल बनाने हैं छोटे छोटे। अच्छा, इसको हमने बनाना है इस तरह करना है कि जिस तरह कटोरी बनती है, ताकि इसके अंदर हम थोड़ी सी जो चीज़ है चीज़ डाल सकें। ये मेल्ट हो गई थोड़ी सी, मुझे इसमें निकाल निकाल के वैसे करनी पड़ेगी। इसमें मैंने ये थोड़ी सी चीज़ डाल ली है, तो मैंने चीज़ डाल के इसको मैंने इसे कवर कर दिया है इससे आलू से। अगर आपको लगे कि ये आलू जैसे कम हो रहे हैं, जैसे कहीं से आपको लगे कि इस तरह चीज़ हो रहा था, आप थोड़ा सा और लेके ऊपर से आलू इस तरह टॉपिंग टॉप करके इस तरह पूरा बॉल बना लीजिए। ये आपका बॉल रेडी है। अब आपको इसको अंडे के बैटर में डालना है, और अंडे के बैटर में डालने के बाद आपको क्या करना है मैं भी आपको बताती हूँ। तो आपको इस पे करना है ये अंडा कोट इस तरह से, इसको आपको पूरा कोट कर देना है। और फिर आपको ये पूरा बॉल उठा के आपको क्या करना है, फिर आपने ये चीटोज में डाल देना है। चीटोज में डालने के बाद आपने इसके ऊपर इसको कोटिंग करनी है अच्छी तरह से, इसकी हर जगह से इसको, ताकि ये चिपक जाए इस पर अच्छी तरह। इस तरह मैं ये सारे, और फिर ये आपने यहाँ रख लेना है। फिर इसी तरह से आपने दूसरा भी बनाना है। सो व्यूवर्स, ये मैंने सारे चीटोज़ चीज़ बॉल्स बना लिए हैं। इसमें लास्ट में थोड़े से चीटोज़ कम थे, इसलिए इस पर सही कोटिंग नहीं हुई, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे कोट हो गए। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ ट्राई करना था क्योंकि मुझे पता नहीं है इसका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं, तो मैंने सोचा जहाँ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ये मैंने एक हैक में देखा था इसको इस तरह बनाते हुए, एक लाइफ हैक्स में, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ इसको एक्सपेरिमेंट। और फिर और ये मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है, जैसे ये तेल गरम हो जाएगा तो ये चीटोज़ चीज़ बॉल्स जो है मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। सो व्यूवर्स, ये तेल काफ़ी गरम हो चुका है, मैंने इसको स्लो आंच कर दी है ताकि ये बहुत ज़्यादा हीट अप ना हो जाए। और इसमें मैं ये अब एक डालने लगी हूँ, देखती हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक करके आपने इनको फ्राई कर लेना है। और अगर आपके पास ये पकोड़े तलने वाला स्पैचुला है तो सबसे बेस्ट है ये, और अगर इसके अलावा आपके पास कोई और स्पून है तो फिर आपको शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुझे सबसे इजी लगता है इससे काम करना। ये पकोड़ा कोड़े टाइप की कोई भी चीज़ हो, आराम से इससे सारा काम हो जाता है, आराम से निकल भी आते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, ज़रूर लीजिए अगर आपके घर में नहीं है तो, क्योंकि ये मेरे घर में नहीं है, मम्मा के घर में है, तो मैंने ज़रूर सोचा है कि, वैसे ज़्यादातर मैं अपने घर पे कोई ऐसी चीज़ें बनाती भी इसी वजह से नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सामान की शॉर्टेज होती है मेरे घर पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ऐसा करके मैंने सब कर लेना है। अभी मुझे रिसेंटली तकरीबन 3 months या 4 months हुए मुझे शिफ्ट किए हुए, अलग हुए हुए घर पे, क्योंकि जहाँ मैं ससुराल में रहती थी तो वहाँ पे भी माशाल्लाह एक एक चीज़ थी, सब कुछ, मुझे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी। बल्कि मैं आके मामा को बोलती थी, मामा ये वाला स्पून ले आएँ, ये वाला ग्रेटर ले आएँ, ये वाला कटर ले आएँ, आपको थोड़ी सी ईजी हो जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह वहाँ पर फैमिली बड़ी थी तो एक एक चीज़ जो थी, एक एक फैसिलिटी प्रोवाइड थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और अब माशाल्लाह मामा के घर में भी सब कुछ है, तो अब बस मेरा घर रह गया है, तो इंशाल्लाह मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लाना शुरू कर दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह आपने आलू भी बॉयल है, आपके सब कुछ बॉयल है, सिर्फ आपको इसको थोड़ी सी देर फ्राई करना है। और ये इस तरह 5 सेकेंड 10 सेकेंड हद से 15 सेकेंड आपने बस इसको फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर हो गया इसका,
और ये इसकी चीज़ अंदर की मेल्ट हो गई होगी। व्यूअर्स, ये मैंने सारे चीज़ बॉल्स जो हैं इनको फ्राई कर लिया है, मुझसे ये गलती हो गई। ये दो जो है मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पे जो है वो करे फ्राई किए, तो इसको ना ये बिखरने लगे थे, तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। ये मेरा एक्सपेरिमेंट जो है पता नहीं कैसा गया है कैसा नहीं, मैं अभी खा के हम लोग खा के बताएंगे कि कैसा रहा, फिर आप लोग घर में अपने ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत अच्छा लाइफ हैक है, मुझे दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है, और अब मैं खा के बताते हैं सब के कैसा बनाए। चलो फातिमा अब तुम ट्राई करो, इसको बीच में से ऐसे तोड़ो, ज़रा दिखाएं तो बने कैसे। हाँ सो टेस्टी मम्मा, देखे बिल्कुल वैसे ही बने जैसे आप बोल रही थी। कैसे बने फातिमा? बहुत ज़बरदस्त बने, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा।